me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day. अब त्योहारों के बाद थोड़ा सा भोग वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो आज ठाकुर जी के लड्डू बना के रखूँगी। और अब की बार जो है मैंने आटे के लड्डू बनाए हैं और कई बार आपके साथ रेसिपी शेयर करी है। और एक चीज़ और, आज मैंने ना कुछ सामान जो लिया था दिवाली से पहले का, वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अपना रिव्यू भी बता रही हूँ कि वो कैसा लगा। तो उसमें कुछ तो मेरे विंटर्स के सूट हैं और कुछ है घर का सामान। आज मैं जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं घर से ही भोग बना के लेके जाती हूँ प्रसाद, तो आज मैंने डिसाइड किया कि कुछ फटाफट बनाए लेकिन स्पेशल भी हो। तो मैंने डिसाइड किया मूंग की दाल का हलवा बनाने का, जो कि इंस्टेंट बनता है, कोई मूंग की दाल इसमें भिगोनी नहीं पड़ती है। तो इसके लिए मैंने एक कप धुली मूंग की दाल ली है और इसको 3-4 बार अच्छी तरीके से पानी में मैंने वॉश कर लिया है। बस ध्यान रखिएगा कि अच्छी तरह से वॉश हो जाए। जब बिल्कुल पानी ट्रांसपेरेंट होने लगे ना, इसका मतलब दाल बिल्कुल साफ हो गई है, इतनी हमें इसको साफ करना है। और उसके बाद इसको हमें ड्राई करना है। तो कोई भी किचन की जो तौलिया होती हैं, टावल होती हैं, उसमें रख के इसको अच्छे से दबाइए ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और थोड़ा सा इसको प्लेट में रख के सुखाइए 10-15 मिनट, और एक कढ़ाई में बिना ऑयल के, बिना घी के हम इसको थोड़ा सा जो है भूनेंगे, रोस्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गैस की जो फ्लेम है वो धीमी हो, मैंने बीच में थोड़ी सी तेज कर दी है। और हाँ, ये जो आप भूनेंगे ये मुश्किल से 1 मिनट भूनना है, और इतना कि इसमें जो थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए। ज़्यादा देर इसको नहीं भूनना है, और उसके बाद अब हम इसको पीस लेंगे। और इस दाल को हमने बारीक, मतलब दरदरा पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे। और जितनी हमारी दाल है ना, उतना ही देसी घी हमने लिया है, और हम गैस कर देंगे ऑन। और ये है 1/4 कप सूजी, ये हम ऐड करेंगे इसमें, और इसी में हम डालेंगे दाल को। तो इसी में हमने दाल डाल दी है, सूजी डाल दी है, और अब हम इसे भूनेंगे। हमें इसको तब तक थोड़ा सा भूनना है जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जैसे जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो सुनहरा हो जाता है, बिल्कुल तब तक हमें इसे भूनना है। और बाकी का सामान भी मैंने यहीं रख लिया है ताकि जैसे ही ये हो जाए ना, मैं इसमें डाल सकूं। और देखो, इसे भूनने में अब जैसे मूंग की दाल में बहुत घिसना पड़ता है ना, वो बिल्कुल नहीं घिसना पड़ता, बहुत स्मूथली ये हलवा बनता है। नहीं तो जैसे ही सोचो मूंग की दाल का हलवा तो दिमाग में ही आता, अरे ये बहुत मेहनत वाला हलवा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कितने आराम से हम इसे भून रहे हैं। जब हम इस दाल और सूजी के मिक्सचर को भूनेंगे तो हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनना है। मैंने थोड़ा इसे कम भूना है, लेकिन आप लोग इसे खूब बढ़िया भून लीजिएगा, जैसे सूजी के हलवे को भूनते हैं। और जब ये भून जाएगी तो हम इसमें चीनी डालेंगे 1 कप। ये बिल्कुल कम चीनी है, अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा खाते हो तो बढ़ा लीजिएगा, 1.5 कप कर लीजिएगा। और इसको इसमें अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और फिर इसमें हम डालेंगे दूध। तो आप बॉयल्ड दूध, कैसा भी दूध हो, 1/2 लीटर इसमें डाल देना है, और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे, नहीं तो दूध एकदम से लगने लगता है नीचे कढ़ाई में। तो 1/2 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें दूध डाल दिया, और लगातार इसे चलाते रहना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पे हमें चाहिए पेशेंस, और जो हमने इसमें दूध और पानी डाल दिया है ना, इसको हमें लगातार चलाना है, चलाते रहना है, जब तक कि जो वही हलवे की पहचान या मसाले की पहचान भुनने की क्या होती है, जब वो घी छोड़ दे। और आप जितना भूनते हैं ना, हलवे का कलर वैसा ही आता है। अगर आपको डार्क ब्राउन कलर चाहिए तो उसे डार्क ब्राउन कलर तक भूनना पड़ता है। अगर आप इसे सफेद सफेद, मतलब बहुत हल्का भूनोगे तो उसका कलर भी वैसा ही आएगा। तो अब देखो ये जब तक भुनता है तब तक आपको किचन का कुछ सामान दिखा दूं, जो आया तो रखा हुआ था लेकिन लगाया मैंने अभी है दिवाली के बाद, जिसमें था ये चॉपिंग बोर्ड, बहुत ही सुंदर मार्बल और वुड का बना हुआ है। और इससे पहले भी ना मेरा यहाँ पे जो चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ था वो यहाँ पर है, ये वाला जो बहुत पुराना है मेरा, खूब अच्छा चल रहा है। बस इसमें ना बीच में ये टूट गया था, तो मेरे यहाँ जब कारपेंटर का काम चला था तो मैंने इसे सही करवा लिया था। अब मैं चॉपिंग बोर्ड इसलिए रखती हूँ कि मेरा जो किचन का प्लेटफॉर्म है वो है वाइट, तो गंदा ना हो जाए और उसमें मतलब कुछ निशान ना बन जाए, इस वजह से मैं इसे कवर करके रखती हूँ। एक मेरे पास स्टील का बड़ा वाला भी है जो कि मैं यहाँ रखती हूँ, फिलहाल उसे चेंज कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक चॉपिंग बोर्ड जो कि मैंने मंगाया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप लेना चाहो ना तो ये ले लो, बहुत ही बढ़िया लगेगा ये वाला,
बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा ये चॉपिंग बोर्ड है। देखो कितना सुंदर इसका कलर है। एक साइड पे इसे यहाँ पे इसे मतलब मैं इसे यूज कर रही हूँ कट करने के लिए, ये वाला साइड, और ये वाला साइड देखो कितना अच्छा है। तो ये है, तो चॉपिंग बोर्ड ना मेरे पास वैसे भी कई सारे हैं, और इसके साथ साथ ना एक चॉपिंग बोर्ड का स्टैंड भी है मेरे पास, ये है, इसमें सारे चॉपिंग बोर्ड आ जाते हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे घर में जो ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो मैं उन्हें बगैर प्याज का खाना खिलाती हूँ। तो जब जैसे एक प्याज कट करने का चॉपिंग बोर्ड हमेशा अलग रहता है, और एक ऐसा रहता है जिसमें प्याज वगैरह बिल्कुल कट नहीं होती है, तो वो ध्यान देना पड़ता है, इसलिए ये चॉपिंग बोर्ड है। और भी है चॉपिंग बोर्ड, और इसके ऊपर मैंने बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है, आप उसे चेक कर लेना। और अब देखो ये हलवा गाढ़ा होता जा रहा है, मैंने इसको बहुत डार्क ब्राउन नहीं भूना था ना, तो ये थोड़ा सा वाइट ही रहेगा हलवा। तो इसमें कोई कलर वगैरह अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा तो कलर डालूंगी। मैंने थोड़ा सा इसको कम भूना था तो मैंने इसमें रेड कलर मिलाया, जो फूड कलर होता है। इसी टाइम पे थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देंगे, और अगर आपके पास केसर हो ना तो केसर को दूध में भिगो के उसको डाल दीजिए, उससे भी इसका बहुत ही परफेक्ट जो है कलर आता है। और देखिए ना तो ये बिल्कुल चिपक रहा है, ना इसको घिसना पड़ रहा है, और कितना बढ़िया ये हलवा बन रहा है। नहीं तो मूँग की दाल का हलवा बहुत ज़्यादा चिपकता है। और अब हम इसको गाढ़ा करते जाएंगे, लगातार चलाते जाएंगे, और मेवे भी मैंने काट के रख लिए हैं। चलो अब कुछ आइटम्स आपको दिखाती हूँ। तो लेकिन ये वाले जो जार्स है ना, ये बहुत अच्छे हैं अगर आप अपनी किचन में कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो ना। ये कुछ फ्रॉस्टेड हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे। और इनकी जो लिड है, इसमें ब्लैक कलर है, ये गोल्डन कलर है, कॉपर कलर है, अलग अलग कलर्स हैं, और अच्छे लगे। और ये छोटे बड़े सब इनकी कैपेसिटी है। जैसे जो काम की चीज थी, मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे पास ना एक वो है, एयर फ्रायर है, तो उसके लिए ना मेरा बार बार खराब हो जाता, तो लाइनिंग के लिए कुछ ना कुछ मैं लगाती थी। तो मैंने लाइनिंग के लिए ना ये दो इस तरीके के लाइनिंग्स मंगाई हैं उसी की, एयर फ्रायर की। तो अभी जैसे ये मैंने मंगा ली, अब मेरे पास ये है, अब मैं इनको यूज करूंगी। अब अगर मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं अभी तक चीजें यूज कर रही थी उनसे ये अच्छी है, तो मैं आपसे कहूंगी नहीं ले लो, ठीक है अच्छी है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है नहीं बेकार है, इसके बजाय हम घर की अपनी खुद अपनी ही चीजों से, या जो हमारे पास नॉर्मली होते हैं पेपर्स वगैरह, उनसे यूज कर सकते हैं, उसे वॉश कर लो बाद में, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, तो वो कर सकते हैं, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे ना एक वुडन चकला बेलन चाहिए था तो मैं ढूंढ रही थी वुडन चकला बेलन, तो मैंने ना ये एक चकला बेलन लिया, देखो इस तरीके का है, और ये है बेलन इसका, इस तरह का। तो आप रोटी बनाओ और यहीं पे इसको रख दो, तो ये रखने वाली चीज है। तो अब ये आ गई, मुझे लग रहा था रखने वाली चीज, प्लेटफॉर्म पहले से ही काफी, मेरा इतना बड़ा तो नहीं है, किचन छोटी है, अब उसमें काउंटर टॉप पे ये भी रख जाएगा, तो मैं नहीं वो कर पाऊंगी, मतलब मेरे जगह कम हो जाएगी। अगर ये हैंग करने वाला होता, इस तरह से कुछ होता, तो शायद ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहता। तो मैंने कहा अरे ये चीज आ गई, अब इसका कुछ तोड़ ढूंढेंगे। तो अब ऐसी चीजों के लिए मैं आपको कहूँ नहीं ये ले लेना, अच्छी चीज बहुत अच्छी है। जैसे वुडन ही चाहिए था मुझे, या स्टोन का चाहिए था, तो स्टोन का मेरे पास है, वो थोड़ा छोटा है, तो मुझे बड़ा चाहिए था, परफेक्ट लगा, डिजाइन अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छी लगी। अपने बेलन पे हाथ सेट होता है तो इस पे भी हो जाएगा, ठीक है। एक और चाहिए था, तो ये सब चीजें अच्छी थी, क्योंकि चकला बेलन मेरे पास परफेक्ट नहीं था, लेकिन अब वो ये हैंग करने का नहीं है इसमें, तो अब दिक्कत है, और इसमें यही दिक्कत है बस, अब क्या करें। तो ऐसी चीजों का लिंक कैसे दे दूं बताओ, फिर आप लोगों की भी किचन नीड़ी तरह है, फिर आप इसे हैंग कैसे करोगे। देखो साइड से घी निकलना स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब है कि हलवा जो है लगभग रेडी है। अब इसमें से घी चारों तरफ से बाहर निकलने लगा है, हलवा रेडी है ना। तो हमने मूंग की दाल भिगोई थी, मतलब कोई सोप नहीं किया था, इंस्टेंट अगर आपको बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। आप लोग हमेशा कहते हो जो सूट मैं मंगाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ, तो विंटर्स के लिए मैंने कुछ सूट मंगाए थे और आज मैं उनको आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे हैं। और मतलब वेलवेट के हैं, थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, और ये रखे हुए थे मेरे पास, तो चलो इनको देखते हैं। तो पहला सूट है ये,
ये जो है देखो इसके जो ब्रांड वगैरह हैं वो ये हैं, मैं बता दूंगी। इसमें ना नेक पे थोड़ा सा वर्क हो रहा है, इस तरह का थोड़ा सा बीडेड वर्क है इसमें, बीड्स हैं इसमें और बहुत अच्छा सा फाइन वर्क है। कलर बहुत अच्छा है, केवल कुर्ता है, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और प्यारा सा सूट है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मुलायम। तो वेलवेट के सूट चाहे आप अमेजोन पे देखो, चाहे आप मिंत्रा पे देखो, आपको अच्छे मिल जाएंगे, रीजनेबल। जो मैंने देखा कंपेयर करके तो वो सस्ते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सिंपल सोबर और कलर वगैरह अच्छा है। और इसकी जो है नेक पे थोड़ी सी देखो इस तरीके से वर्क हो रहा है, इतना है। और ये वाला जब मैंने लिया था ना, तो मुझे देखते ही साथ पसंद आ गया था बहुत ज्यादा। मतलब मुझे ये कलर बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब इसके इसके इतना तो इसका प्लस ना इसका माइनस, मुझे लग रहा है ये जो है बिल्कुल फिट आएगा। ये वेलवेट का तो नहीं लग रहा है, कुछ वेलवेट ही है लेकिन बहुत फाइन वेलवेट है। और इसको मैं दिखाती हूँ, देखो आपको इस तरह से है, बहुत ही स्मार्ट कुर्ता है। देखो कितना प्यारा सा लग रहा है ना, बहुत स्मार्ट ये कुर्ता है। और सबसे अच्छी ना इसकी स्लीव्स है, देखो कितनी स्मार्ट है ना, देखो। और ये वाले सूट ना मैंने काफी पहले से ऑर्डर कर रखे थे, ऐसा नहीं है कि मैंने ये अभी ऑर्डर किए थे। और इसमें जो ये वाला सूट है ना, ये मैंने दिवाली के लिए ऑर्डर किया था, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन और मेरा मन था कि मैं कुछ क्रीम कलर में पहनूं, क्योंकि दिवाली में इतने, जिसे कहते हैं ना, इतने रंग होते हैं, अलग अलग लाइट्स होती हैं, दीपक होते हैं। तो मुझे ये था कि मैं कुछ हैवी ज्वेलरी पहनूंगी और क्रीम कलर का सूट पहनूंगी। तो ये मेरा दिवाली पर नहीं आया था, तो मैंने अपना एक पुराना सूट पहना था। ये मुझे थोड़ा सा ना कॉस्टली लग रहा है अब, लेकिन इसमें जो मैं आपको पहले तो ये दिखा दूं ये किस टाइप का है। एक तो ये कॉटन का है, मैंने दिवाली के अकॉर्डिंग लिया था। और इसमें ना पूरे में एक अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हो रही है इस तरीके की, देखो इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रही है इस पे, साइड में भी देखो है ना, पूरे साइड में है इस तरह से। और काफी लंबा कुर्ता है, देखो कुछ कॉटन मिक्स है, कॉटन में मतलब कुछ सिंथेटिक मिक्स है, इतना कुछ ठीक ठीक है। मतलब जो मैंने पहना था उस वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, इसके संग ना मैं दुपट्टा चेंज कर दूंगी। तो मुझे इन सारे सूटों में ना ऐसे जब देख रहे हैं ना इसको, तो ये अच्छा लग रहा है, जब इसे अपने ऊपर डाल रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, मुझे ये बहुत स्मार्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर आप कोई कुर्ता ले रहे हो ना, अगर अभी प्लान कर रहे हो तो ये लेना, अच्छा लगेगा, बड़ा स्मार्ट सा है। उसका फैब्रिक भी ना थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, अच्छा है ये। तो ये था मेरा आज का वीडियो, यही सारी चीजें मुझे आपसे कहनी थी। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज चेंज करनी हो या कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।